अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। तो आज किसी भी गेस्ट के बगैर मैं जनाब खुद ही आजमूंगा आपके पास। आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने चाह रहे हैं, दैट इज़ स्कोरिंग ट्रेंड। कि सीएसएस के अंदर एक तो पहले ये डिबेट है कि जी क्या कोई स्कोरिंग ट्रेंड मैटर करता है कि नहीं करता। किसी का कुछ भी ओपिनियन हो, मेरा ये अपना ओपिनियन है कि स्कोरिंग ट्रेंड एग्जिस्ट करता है सीएसएस पीएमएस में, बल्कि सीएसएस और पीएमएस जो एग्ज़ाम है ये है ही नंबर गेम का एग्ज़ाम। और इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि बड़े गोल्डन सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमेशा ही स्कोर बहुत अच्छा आता है, या कुछ ऐसे हैं कि जिसमें आप फॉर श्योर एक अच्छा स्कोर ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल दूं तो लैंग्वेजेस, जिसमें अगर हम पंजाबी की बात करते हैं तो पंजाबी में आप अभी भी स्कोर में देखेंगे बच्चों का 70+ स्कोर आ रहा है बड़े आराम से। इस तरह अगर आप जनरल साइंस एंड एबिलिटी की बात करते हैं तो 60s में एवरेज स्कोर आ रहा है, 60s के अंदर 75-77 तक स्कोर हमने नॉर्मल देखा है, जो कि जो लोग अभी एलोकेट हुए हैं उनका जो स्कोर आया। अब मैं वन बाय वन, पहली ये मेरी बात जो मैं यहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, स्कोर ट्रेंड है और ये मैटर करता है। आप इसे डिसएग्री करते हैं, आई एक्सेप्ट योर ओपिनियन, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि स्कोर ट्रेंड जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब हम बात करते हैं जो 2020 का अभी जो फाइनल एलोकेशंस बच्चों की हुई हैं, जो रिज़ल्ट आया उसमें स्कोर ट्रेंड क्या रहा है, तो सब्जेक्ट वाइज और ग्रुप वाइज हम उसमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपका आ गया ऐसे, ऐसे में तो आप देखेंगे कि जो टॉपर है उसका भी 40 स्कोर है, ठीक है। जो थर्ड पोजीशन हमारी जो स्टूडेंट है तज़ीन ज़फ़र, उसका 47 स्कोर है। मोस्ट ऑफ देम लाइक 40 की रेंज में, 90% स्टूडेंट्स है स्कोर 40। और ये जब आप भी सीएसएस करेंगे या पीएमएस का एग्ज़ाम आप देंगे तो आपने अक्सर करना या दुआ करो ऐसे में मेरा कितना स्कोर आ जाए, 40 स्कोर आ जाए। तो ऐसे के अंदर आपका बहुत बड़ा छक्का लगाने की आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास एक ही गेंद होती है तो आपको बड़ा उसमें सेफ प्ले करना होता है, क्योंकि आपको एटलीस्ट 40 इसमें मस्ट स्कोर करना होता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे और सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। जिस तरह की अगर आप कंपोजिशन की बात करते हैं तो इस दफ़ा लोगों ने बहुत बहुत अच्छा स्कोर किया है, लाइक जिस तरह माहीन हसन है उसका 81 स्कोर है, तज़ीन ज़फ़र का 80 स्कोर है कंपोजिशन के अंदर, तो 75, 70s, 80s के अंदर स्कोर आपको कंपोजिशन के अंदर मिल रहा है। अब यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होता है। अब अगर एक बच्चा कंपोजिशन के अंदर या बच्ची 80 स्कोर कर रहा है उस साल में, उसमें बड़ा अच्छा स्कोर जा रहा है, और कोई दूसरा स्टूडेंट वहाँ पे उसी सब्जेक्ट के अंदर 40 स्कोर कर रहा है, तो 40 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे पड़ जाता है। तो ये आपको देखना है कि जब एक सब्जेक्ट स्कोरिंग भी है, ट्रेंड में भी है और बहुत अच्छा स्कोर दे रहा है और फिर भी उसमें आप स्कोर नहीं कर पाते, तो ऑब्वियसली आप कंपटीशन में पीछे रह जाते। अब आते हैं आपके जो जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट्स हैं। जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट्स में अगर मैं जीएसए की बात करूँ तो 32nd पोजीशन पर एक स्टूडेंट है जिसका 76 स्कोर है जनरल साइंस एबिलिटी का। एवरेज जो बच्चे हैं उन्होंने 60s में स्कोर किया, 62, 65, 67 इस रेंज में ज़्यादा लोगों ने स्कोर किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर हो सकता है। जनरल साइंस एबिलिटी में आप 80+ स्कोर कर सकते हैं, ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी रह गई पीछे बात करंट अफेयर की, पाक अफेयर की, इस्लामिक स्टडीज़ की, उसका स्कोर एवरेज 40s मतलब 45 से ऊपर 50s, 60s में आ रहा है। बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं देखा आपने किसी बच्चे का, किसी ने 70s में या 80s में किया हो, तो नॉर्मली उसमें 50s, 60s के अंदर स्कोर आ रहा है। अब जो सबसे ज़्यादा डिबेटेबल पॉइंट है वो आपका आ जाता है ग्रुप वन, जिसमें आपका ऑर्डरिंग काउंटिंग है, जिसमें आपका इंटरनेशनल रिलेशंस है, जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस है। तो आप लोगों के लिए एक बड़ी ही इसमें खुशखबरी की बात है कि एटलीस्ट इस साल पॉलिटिकल साइंस में भी 147 तक स्कोर आया हुआ है। सादिया सलीम में एक बच्ची, उसका 147 आया हुआ है। आईआर के अंदर 142 सैयद नूर हुसैन का स्कोर आया हुआ है। इस तरह एक और स्टूडेंट है उसका 140 स्कोर आया हुआ है। तो आईआर, पॉलिटिकल साइंस, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, कंप्यूटर साइंस, ये तीनों चारों सब्जेक्ट्स जो हैं, फिजिक्स हो गया, ये सारे ही 70+ परसेंटेज 70% स्कोर से ऊपर जा रहे हैं, मतलब इनमें 70% से ऊपर स्कोर आ रहा है। तो इसमें आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका टेस्ट आईआर के साथ है तो आप आईआर के साथ जाएं, अगर आपको पॉल साइंस अच्छा लग रहा है तो आप पॉलिटिकल साइंस के साथ जाएं। आप कह समझते हैं कि आपने ऑडिटिंग अकाउंटिंग ऑफ करना है या फिजिक्स ऑफ करना है या कंप्यूटर साइंस ऑफ करना है, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। तो ऐसा कोई इसमें नहीं है कि हमने देखा कि जी आईआर में बहुत बुरा स्कोर आ रहा है,
या पॉलिटिकल साइंस में बहुत बुरा स्कोर आ रहा है, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो 70% एंड अबव स्कोर कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद आपका आ जाता है, जब हम अदर ग्रुप्स की बात करते हैं, थोड़ा इंटरनेशनल लॉ जो है वो उसमें रगड़े में है, सोशियोलॉजी हो गया, फिर इसी तरह आप अगर देखते हैं क्रिमिनोलॉजी हो गया, ठीक है, उसमें स्कोर कम आ रहा है। जेंडर स्टडी में हमने अच्छा स्कोर देखा है, सैयद नूर हुसैन है एक स्टूडेंट, उसका कुछ 77 के करीब स्कोर है। इन्वायरमेंटल साइंस में एक बच्चे का 78 स्कोर है। पंजाबी के अंदर यासर अजीज़ इसकी थर्ड अटैम्प्ट है, उनका 82 स्कोर है। तो आप लोग नेट पे इस वक्त DMCs अवेलेबल हैं, हमारा जो ग्रुप है फेसबुक पे स्टडी रिवर बाय CSS क्लब, उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने DMCs पोस्ट की हुई है। अगर आपको वहीं से भी नहीं मिलती तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 0315777-3680, आपको अगर कहीं से DMCs नहीं मिलती तो आप हमारे इस नंबर पे हमारी कोऑर्डिनेटर से जो है वो DMCs ले सकते हैं, या हमारे जो सेशंस के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो वो भी आप ले सकते हैं। फाइनली आपको ये मैं बता दूँ, अगेन आई एम द फर्म बिलीवर इस चीज़ में कि आपका जो सब्जेक्ट्स हैं उनका एक स्कोरिंग ट्रेंड है और वो मैटर करता है। दूसरा फिर ये है कि इन जो CSS PMS एग्जाम्स हैं, इनके एक अपनी एक, मैं इसको बोलूँगा, एक टेक्निक है इनको क्रैक करने की। अभी आप देखेंगे कि कुछ लोग हैं वो तीन तीन अटैम्प्ट हैं वो पास कर जाते हैं, उनकी एक अटैम्प्ट भी फेल नहीं होती। हमारे दोस्त थे, उन्होंने पहली टाइम में अकाउंट सर्विस में आए, दूसरी में पास, फॉरन सर्विस में एलोकेट हो गए, तीसरी में वो टॉप कर गए, डॉक्टर फहद, ठीक है। इस तरह अभी आप इज़ार शाह का देख रहे हैं, वो पिछली दफ़ा जो है उनकी फोर्थ पोजीशन थी, इस दफ़ा फिर वो रिटर्न में उनका 758 स्कोर है। तो सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और चीज़ों को आप किस तरह से लेके चलते हैं। तो सबसे पहली आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपने इंग्लिश में फ़ेल नहीं होना, ऐसे और कंपोजिशन में आपने फ़ेल नहीं होना। दूसरी आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आपने स्कोर अच्छा करना है। मैनी पीपल आर आस्किंग के जी इतने लोग पंजाबी क्यों रखे हैं जी, भैया पंजाबी में स्कोर अच्छा आ रहा है तो पंजाबी सारे रख रहे हैं। वहाँ पे किसी ने आपसे नहीं पूछना कि आप MA पंजाबी करके आए हो, या आप इंजीनियर हो, या आप डॉक्टर हो, या आपने MSc मैथमेटिक्स किया हुआ है, या आप PhD डॉक्टर हैं, ठीक है। आपका स्कोर मैटर करेगा। CSS PMS इज़ अ नंबर गेम। अगर आप 750 स्कोर ले लेते हैं तो आपका वाइवा के अंदर अल्लाह ना करे अगर 150 स्कोर भी होता है तो तब भी आप बहुत अच्छे ग्रुप के अंदर एलोकेट हो जाएंगे। और अगर आपका स्कोर ही 650 है तो इंटरव्यू के अंदर बहुत मुश्किल होता है फिर आपके लिए कि आप 200 तक स्कोर करें, ठीक है। वहाँ पे एवरेज स्कोर ही नॉर्मली आ रहा होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो 200 प्लस जिनको इंटरव्यू या वाइवा के अंदर स्कोर मिल रहा होता है। तो इसलिए सब्जेक्ट की सिलेक्शन जो है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, स्कोरिंग जो सब्जेक्ट्स हैं या जो स्कोरिंग ट्रेंड है उसको फॉलो करें, और उसके लिहाज से अपना प्लान करें, अपना टेस्ट भी देखें, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को भी देखें, मीनवाइल आपने स्कोरिंग ट्रेंड को भी देखना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।